हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, कंडक्टर भर्ती का एक नया नोटिस आया है जो अभी आपने पता होगा डीसी रेट पे वैकेंसी निकली थी, यानी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत जो वैकेंसी निकली थी उनके बारे में नोटिस है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप हरियाणा ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको डिपो वाइज अलग अलग कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है कि एलिजिबल कैंडिडेट कौन है और अयोग्य कौन है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं आपका किस लिस्ट में नाम है। यदि आपको वहाँ पे योग्य लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि अयोग्य लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पहले इस क्लेम करने के बारे में ही नोटिस डाला गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, विषय 905 कंडक्टरों के पद आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के अंतर्गत भरे जाने वाले। हरियाणा राज्य परिवहन हरियाणा रोडवेज द्वारा 905 कंडक्टरों के पदों के लिए भरने के लिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के अंतर्गत आवेदन मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 25/10/2018 थी। 25 अक्टूबर 2018 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते थे आप। अभ्यर्थियों को अपने दावे एवं आपत्तियाँ देने के लिए 12/11/2018 तक का समय दिया गया था। इस पब्लिक नोटिस के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता कि अब वे अपने दावे एवं आपत्तियाँ 26/11/2018 5:00 PM तक दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, यानी कि जो ऑब्जेक्शन करने की या क्लेम करने की जो भी तारीख थी 12 तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते थे। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती थी अपने डिटेल में तो अब वो डेट बदल दी गई है। अब 26 नवंबर 2018 तक आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो ये ही नोटिस आया था। दोस्तों, यदि आपका उस अयोग्य लिस्ट में नाम है तो आप पता कर सकते हैं उनका नाम क्यों नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।